एक बार की बात है, एक छोटी सी बूढ़ी औरत थी जो जूते में रहती थी। क्या क्या बोला? क्या हम ये देख सकते हैं? मेरे प्यारे पति के इंतजार में एक और दिन। अरे वाह, ये तो सच है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कैमरा आगे लेकर जाओ। तो आप देख सकते हैं कि ये जूता घने जंगल के बीचों बीच है और ये इतना बड़ा है कि बूढ़ी औरत और उसके बच्चे इसमें पूरे आ जाते हैं और उसके बच्चे इतने ज्यादा हैं कि उसको उनके नाम भी याद नहीं रहते। फिलिप? माँ, हमारे घर में कोई भी फिलिप नहीं है। सच में? मुझे तो लगा कि मैंने किसी का तो नाम रखा है फिलिप। लेकिन पीटर है, कहें तो बुला दो उसे। नहीं, रहने दो। स्टॉक, तुम मुझे मेरा चश्मा ला दो। मार्क? नहीं, उसे क्यों बुलाना, ये काम तुम कर दो। मेरा नाम मार्क है माँ। मुझे तुम्हारे पिताजी की बहुत याद आती है। तुम्हारे नाम याद रखना बहुत मुश्किल है। हालांकि बूढ़ी औरत भुलक्कड़ थी, पर उसे अपने बच्चों से बहुत प्यार था और वो भी हमेशा अपनी माँ का ध्यान रखते थे। स्ट्रॉन्ग आर्म सबसे बड़ा आग के लिए लकड़ियाँ काटता था। पीटर अपनी कारीगरी से टोकरियाँ बनाता था। मार्क अपने बगीचे का ध्यान रखता था। लिजी गाय को संभालती थी और जेनी अपने से छोटों को पढ़ाती थी। वैसे बूढ़ी औरत और उसके बच्चे हमेशा से ही इस जूते के घर में नहीं रहते थे। सिर्फ एक महीने पहले की बात है, वो और उसके परिवार का एक प्यारे से घर में बसेरा था और उसका पति एक लकड़हारा था। पर जंगल के पीछे ही एक बड़े से महल में एक भयानक राक्षस रहता था, जिसने एक दिन आकर इनके सुंदर से घर को खाक में बदल दिया। उस वक्त बूढ़ी औरत नदी से पानी लाने के लिए गई हुई थी। बेचारे इंसान! बच्चे अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भागने लगे और लकड़हारे ने भी अपने परिवार को बचाने की पूरी कोशिश की, जिससे राक्षस और भी गुस्से में आ गया। नहीं! एक नया बंदी। राक्षस बेचारे लकड़हारे को अपने साथ अपने महल ले गया, जंगल से दूर। और जब बूढ़ी औरत वापस आई तो उसने अपने टूटे हुए घर को देखा। उसके बच्चे, जो कि राक्षस से छुपकर बैठे थे, माँ के आते ही बाहर आ गए और माँ को सारी घटना बताई। हम उसे तुम्हारे पिता को ले जाने नहीं देंगे। चलो चलकर उन्हें ढूंढते हैं। हो सकता है कि राक्षस उन्हें कहीं जंगल में ही छोड़ गया हो। और फिर पूरा परिवार अपने पिता की खोज में लग गया। वो जंगल में शाम तक अपने पिता को ढूंढते रहे। सूरज भी ढल गया और तभी, माँ देखो, राक्षस का जूता। आर्मस्ट्रांग मेरे बच्चे। स्ट्रांग आर्म नाम है मेरा माँ। हाँ, इस वक्त वो जरूरी नहीं है। सूरज ढलने वाला है और हमारे पास वापस जाने के लिए घर नहीं। क्यों ना हम इस जूते को ही अपना घर बना ले, जब तक तुम्हारे पिताजी को ढूंढ कर नया घर नहीं बनाते। बहुत सही सोचा आपने माँ। शुक्रिया। जेनी माँ, मेरा नाम जेनी है। हाँ हाँ, वो ही। तो रात होने से पहले बच्चे उस जूते को अपना घर बनाने के काम में जुट गए। पीटर और स्ट्रॉन्ग आर्म ने उसके ऊपर छत बनाई। जेनी और लिजी ने दरवाजा बनाया। मार्क और बाकी बच्चों ने जूते के अंदर की सफाई की, उसमें पोछा लगाया और उसे धोया और मिलकर जूते को रहने लायक बनाया। कहते हैं ना, जहाँ चाह वहाँ रह, है ना लीना? क्या माँ, मेरा नाम लिजी है। तू रहने ही दे। और फिर उस दिन पूरा परिवार उस जूते में रुका और आगे के कुछ और दिन भी, जबकि स्ट्रॉन्ग आर्म अपने पिता को राक्षस के जंगल से मुक्त करवाने की तैयारियों में जुट गया। वो दर्जनों तलवारें खरीद कर लाया और पीटर ने काफी मजबूत कवच और अंगरखे बनाए और मार्क से जितने बन सके उसने उतने लोहे के तीर और कमान बनाए। और फिर वो एक दिन राक्षस का सामना करने के लिए तैयार हो गए और माँ का आशीर्वाद लेकर निकल पड़े। जीत कराना आर्मस्ट्रांग। हे भगवान,
अगले दिन वो महल तक पहुंच गए। स्ट्रॉन्ग आर्म अपने भाइयों को पास के जंगल में छोड़कर बहादुरी से अकेला ही महल के दरवाजे तक गया और दरवाजा खटखटाया। दरवाजा एक अजीब से छोटे आदमी ने खोला, जिसका सिर बड़ा था और जो बस अजीब सी हंसी हंस रहा था। जी बोलिए जनाब, आज अजीब बात हुई। मुझे सपना आया कि मैं एक बड़ा मार्शमेलो खा रहा हूँ और जब सोकर उठा तो मेरा तकिया गायब था। क्या? और कल मैं अपनी घड़ी खा गया। उयू, मेरा काफी समय खा गया वो। मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ? क्या तुम्हें पता है कि मेरे पिताजी कहाँ हैं? वो एक लकड़हारे हैं। वो जो बेचारे से हैं, मुझे माफ करना। मेरे चाचा ने उन्हें कैद कर रखा है और महल के जिस हिस्से में वो हैं, उसके पहरेदारी पर एक भयानक ड्रैगन है। उससे बचने के लिए तुम्हें बस उसकी पूंछ को छूना होगा, जो कि आज तक कोई नहीं कर पाया है। और फिर उसने स्ट्रॉन्ग आर्म को महल के उस हिस्से का रास्ता दिखाया जहां उसके पिता को बंदी बनाकर रखा गया था। बहादुर स्ट्रॉन्ग आर्म बिना किसी से डरे सीढ़ियां चढ़कर उस जगह तक पहुंच गया और खुशकिस्मती से उस वक्त ड्रैगन सो रहा था। बिना कोई समय बर्बाद किए स्ट्रॉन्ग आर्म ने होशियारी दिखाई और छलांग लगाकर ड्रैगन की पूंछ तक पहुंच गया। इससे पहले कि ड्रैगन की नींद खुलती, स्ट्रॉन्ग आर्म ने उसकी पूंछ को छू लिया। छूते ही ड्रैगन चिल्लाया और हवा में कहीं गायब हो गया। वो तुमने कर दिखाया, तुमने उस भयानक ड्रैगन को मार दिया। अब मुझे रास्ता बताओ बच्चे। वो उसे उस दरवाजे तक ले गया जो राज दरबार में खुलता था, जहां स्ट्रॉन्ग आर्म के पिता को जंजीरों से बांध कर रखा हुआ था। आर्मस्ट्रॉन्ग, मेरे बच्चे। सच में पिताजी आप? अब हम चलते हैं बूढ़ी औरत के पास। जैसे ही उसके बेटे वहाँ से निकले, उसको बेचैनी शुरू हो गई, बहुत बहुत बेचैनी। और उसी वक्त वहाँ पर उसके पास एक बूढ़ी चुड़ैल आई। मैं तुम्हारी मदद करूँगी, मैं महान जादूगरनी। उस राक्षस से नफरत करती हूँ और उसे मरते हुए देखना चाहती हूँ। आओ मेरी झाड़ू पर बैठ जाओ। ओह शुक्रिया महान बूढ़ी परी, मुझे बेचैनी हो रही थी। मैं चुड़ैल हूँ, परी नहीं। चलो अब आ जाओ। बूढ़ी चुड़ैल उस बूढ़ी औरत को अपने साथ झाड़ू के डंडे पर बिठाकर हवा में उड़ते हुए सीधा राक्षस के महल पहुंची। पर जब वो वहां पहुंचे, उन्हें राक्षस कहीं भी नहीं मिला। उस दिन राक्षस के पैर में सुबह से दर्द था, जूता ना होने के कारण। वो जंगल की तरफ जा चुका था अपना खोया हुआ जूता ढूंढने के लिए। और फिर वो वहाँ पहुँचा जहाँ बूढ़ी औरत और उसके बच्चे रहते थे, और वहाँ उसको उसका पुराना जूता दिखाई दिया। वो हंसा और उसकी ओर बढ़ा और छत को तोड़ते हुए उसने अपना पैर उसमें घुसा दिया। सारे बच्चे जो जूते के अंदर थे एकदम से घबरा गए और जल्दबाजी में डरे सहमे दरवाजे से बाहर निकले। उसी वक्त चुड़ैल और बूढ़ी औरत और साथ ही में स्ट्रॉन्ग आर्म और उसके भाई अपने पिता के साथ उस जगह पर पहुंच गए। गिली गिली छू। गिली गिली क्या? वाह, तेरी शक्तियाँ कैसे बढ़ गई? जब से तूने मेरा घर तोड़ा है तब से मैं इसकी तैयारी कर रही हूँ। पर जैसे ही राक्षस चुड़ैल तक पहुंचता, स्ट्रॉन्ग आर्म और उसके भाइयों ने उस पर तीरों की बरसात शुरू कर दी, जिससे राक्षस जख्मी होकर जमीन पर गिर पड़ा। और ये ही उसका अंत था। ओ मेरे कारपेंटर पति, मैंने तुम्हें बहुत याद किया। पर मैं लकड़हारा हूँ। तुम बिल्कुल नहीं बदले। मैं तुम्हें एक बात बताऊं, ये परी हमारी मदद करेंगी हमारा घर बनाने में, है ना? शुक्रिया परी रानी। मैं चुड़ैल हूँ, कितनी बार बताऊं। और मैं हूँ स्ट्रॉन्ग आर्म। तुम
तुम लोग भी ना अब बात का बतंगड़ मत बनाओ। जैसे कि चार्ल्स डिकेंस ने कहा था, नाम में क्या रखा है? ये विलियम शेक्सपियर ने कहा था। ओहो, बस भी करो अब स्टॉक। आह।